अस्सलाम वालेकुम प्रिय स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशंस डिस्कस कर रहे थे D1 की, ठीक है। D1 लीनियर इक्वेशन हमने उसमें क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस के बारे में। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिकली हम किस तरह करते हैं, हम किस तरह कांस्टेंट नंबर्स की और वेरिएबल्स की, हम वेरी कांस्टेंट नंबर्स को यूज करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब उसी को लेते हुए हम आज 5A एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन यहां पे देखिएगा। अगेन हमने क्या करना है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी तरह के कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। 12 इज इक्वल्स टू 2 इनटू एक्स प्लस 3 और 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 3 इज 6 और 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x। अब यहां पे देखिएगा 12 माइनस 6 तो 6 रह गया इज इक्वल्स टू 2x और 6 ओवर x इज इक्वल्स टू 6 ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू x और ये 3 इज इक्वल्स टू x आ गया। इसी तरह यहां पे देखें क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट जो है वो मैंने लिखा है। अब बच्चों देखिए, मैं यहां पे आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। उस क्वेश्चन का कुछ जो मुझे लगता है कि ये डिफिकल्ट पार्ट हो सकते हैं मैं वो डिस्कस करता हूं, बाकी आप खुद से घर में ट्राई किया करें, ऐसे होमवर्क करें, ऐसे असाइनमेंट करें, ठीक है। कोई चीज नहीं आती आप मुझे बताएं सर ये क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है मेरे से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, आई विल गिव यू माई बेस्ट कि मैं आपको किसी ना किसी तरह वो क्वेश्चन सॉल्व करके दूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका नाम लेके मैं वो क्यूरी डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 32 ओवर 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 1 ओवर 4 माइनस 3 है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस 3 हो गया। तो 32 ओवर 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 12 ओवर 4, 32 ओवर 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 13 ओवर 4। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 32 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 13 इनटू 2x माइनस 5। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 128। 13 2 का क्या हो जाएगा 26x माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा माइनस 65। अब अगेन हमने क्या करना है, 128 माइनस 60 माइनस है तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू 26x, ठीक है। तो 128 प्लस 193 हो जाएगा मेरे पास इज इक्वल्स टू 26x। तो 193 ओवर 26 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 26। तो यही आपके पास आपका आंसर है, इसको फर्दर आप सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है अगेन सिमिलर, हमने क्या करना है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। इसमें भी आपके पास क्या आएगा, y प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू y माइनस 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें 4y हो जाएगा ये 4y प्लस 4 5 का 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 30। अब क्या हो जाएगा 4y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 20, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 50, ठीक है, और y क्या आ जाएगा मेरे पास 50, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम क्या करना है, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर इसी तरह का ही क्वेश्चन है, जस्ट हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इनटू y प्लस
सिक्स इक्वल्स टू थ्री इंटू वाई माइनस टू, ये क्या हो जाएगा टू वाई प्लस सिक्स टू जार ट्वेल्व इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस सिक्स, तो टू वाई माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व, और ये आ जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस एटीन, और वाई मेरे पास क्या आ जाएगा एटीन, माइनस माइनस से कैंसिल। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया, इसके बाकी पार्ट्स बच्चों आप लोग खुद डिस्कस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, खुद से सॉल्व करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, कोई भी क्यूरी हो आप मेरे से मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादातर बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टाग्राम आईडी है, तो यू पीपल कैन टेक्स्ट मी ऑन दैट। तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।